Hello friends, you are welcome in another mouth-watering session from Let's Cook It. Today I will show you how to make kathal ki sabzi or raw jackfruit curry. Kathal ki sabzi is an Indian vegetarian delicacy which is specially cooked in the month of around Holi when jackfruit is in season in North India. It requires time and effort to get cooked, but believe me, the end result is worth every minute of time and effort. So let's get started. कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है कटहल, जिसको मैंने इस आकार में काट लिया है छीलकर, प्याज, टमाटर, कुकिंग ऑयल, धनिया पत्ता, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, एक तेज पत्ता, दो सूखी लाल मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, सूखा धनिया, गोलकी, जीरा, गोलकी, धनिया और इलायची, लौंग, दालचीनी को हम साथ में ड्राई रोस्ट करके पीस लेंगे। इधर मैंने लिया है जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली, ये तीनों का हम साथ में पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे जिसको मैंने हीट कर लिया है। अब हम उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को हीट करेंगे पहले। हमारा ऑयल हीट हो चुका है, अब इसमें तेज पत्ते डालेंगे, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, और अब प्याज डालेंगे। हमारा अनियन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डालेंगे। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक जिंजर और गार्लिक का रॉ स्मेल ना चला जाए। फ्लेम हमारा मीडियम पे है। हमारे जिंजर और गार्लिक भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि हमारा टमाटर जल्दी से मशी हो जाए। चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा टमाटर, प्याज और मसाला सब अच्छे से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से मशी हो गया है। अब हम इसमें अपना ये रोस्टेड मसाला डालेंगे जिसका मैंने पाउडर बनाया है। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 to 2 minutes इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें अपना कटहल ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाले से ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें कटहल ऐड करेंगे। इसे भी मिक्स करेंगे। अभी हम 2 to 3 minutes फ्राई करेंगे मसालों के साथ। कटहल भी मसालों के साथ फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें 1 cup पानी ऐड किया है। आपको ग्रेवी जैसी चाहिए आप वैसे उस प्रोपोर्शन में पानी डालें। अब थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स हम अभी ऐड करेंगे और थोड़ा गार्निशिंग के लिए बचा के रखेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसका लिड लगा देंगे। इसमें हम 2 whistles आने का वेट करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम पे रहेगा। कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम चेक करेंगे सब्जी को।
कटहल को हम प्रेस करके देखेंगे ठीक से बॉईल हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं ये इजीली टूट रहा है, मतलब ये बॉईल हो गया है। ये रेडी है अब सर्व करने के लिए। Delicious kathal ki sabzi is ready. You do give it a try and leave your comments below. And don't forget to like, share and subscribe. I wish you a happy and safe Holi.